हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइज, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग फिर से मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है 8:30। तो ये देखिए, मैंने बताया था ना, मेरे यहाँ इस तरीके से भिंडी पसंद करते हैं, भुनी हुई। मैंने आप लोग से बताया था, तो एकदम भुन जाती है तब। और इसके बाद भिंडी बन गई थी। इसके बाद ये मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, सिंपल पनीर की सब्ज़ी, मसाले वाली, ग्रेवी वाली। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज भून रही हूँ और साइड में भिंडी पक गई तो उसे निकाल रही हूँ हॉट पॉट पे। तो ये पनीर की सब्ज़ी एक्चुअली मैं बना रही हूँ दीदी के लिए। एक्चुअली दीदी जो है डाइटिंग कर रही हैं, तो डाइटिंग में ना वो पनीर की सब्ज़ी, पनीर में प्रोटीन होता है ना, तो ये न्यूट्रिशन से ही वज़न कम किया है उन्होंने। तो उन्होंने डाइट दी थी दीदी को पनीर वगैरह खाने की, सब तौल के कितना क्या खाना है। तो उनकी पनीर बना रही थी मैं। तो बस प्याज मैंने दो तीन प्याज ली है, उसमें काली मिर्च, लहसुन, अदरक, मिर्च और जीरा और तेज़पत्ता से डाल के मतलब बघार लगा दिया है। हल्की सी प्याज हो जाएगी, उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। आप लोग के साथ कई बार ये वाली रेसिपी शेयर की है मैंने वो सब्ज़ी हो ही रही थी, उसी के लिए मैं टमाटर वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि मैंने प्याज का पहले ही छौंक लगा दिया है और नमक वगैरह पहले ही डाल दिया है। बस ये टमाटर जल्दी से कट जाए। सो गाइस, 2 मिनट के लिए मैंने प्याज ढक दिया था ताकि जल्दी से पक जाए। इसे बिल्कुल वैसे नहीं पकाना है, खूब नहीं पकाना है, हल्की हल्की पकाना है। तो ये हो गई है। चलिए अब इसमें डाल देती हूँ मैं टमाटर। और बस टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, डाल दूँगी। और मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धना पाउडर, ये सब मसाले डालकर 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि जो टमाटर है और प्याज अच्छे से थोड़ा सा पक जाए। तो ये देखिए, हल्दी डाल दी है मैंने और लाल मिर्च और धना पाउडर, बस मिक्स कर लेते हैं। और बाकी के मसाले मैं इसे ना पीसूंगी, मतलब ये जब मसाला टमाटर प्याज का पक जाएगा ना, इसको पीस लूंगी मिक्सी में, इसकी ग्रेवी बना लूंगी पीस कर, और ठंडा होने के बाद पीसूंगी। नहीं तो फिर क्या होता है, गरम गरम पीसो ना तो कई बार मिक्सी चलाते टाइम ढक्कन मतलब खुद खुल जाता है ना, गरम बहुत होता है तो इसलिए आराम से पीसो तो सही रहता है, वरना वो छींटे भी आ जाते हैं, बहुत तेज़ गरम रहता है क्योंकि। तो ये देखिए, मैंने बंद कर दिया गैस और इसे इस तरीके से चला रही हूँ ताकि ठंडा हो जाए। मैंने गैस ऑफ़ कर दी है, तो ये डायरेक्ट आप लोग को पीसने के बाद दिखा रही हूँ। तो पीसने के बाद ना मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें लाल मिर्ची डाल दी थी कश्मीरी वाली, और गरम मसाला डाल दिया था, और तेज़पत्ता निकाल कर पीसा था, तो वापस से तेज़पत्ता उसी में डालकर और ये ग्रेवी डाल दी है। और ये पनीर को मैंने थोड़े से तवे में हल्का सा तेल डालकर उसे थोड़ा सा सेक लिया है, थोड़ा सा मतलब चिट्टी चिट्टी सी पड़ जाए ना पनीर में, वैसे ही उतना सेक लिया है उसे। और बस ये पनीर की ग्रेवी में मतलब पनीर डाल दूंगी। और ये देखिए, कसूरी मेथी है, ये एक्चुअली घर में जो मेथी होती है ना वही है, मतलब हम लोग सुखा कर रख लेते हैं। तो इसको ना मैंने 1 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया था। क्या होता है, सुखा कर रख लो ना तो सॉफ्ट हो जाती है, डिब्बे में भर कर रखी थी, तो मैंने माइक्रोवेव में 1 सेकेंड के लिए इसे लगा दिया था, तो अच्छे से हो गई है। इसके बाद इसे हाथ से ऐसे क्रश करके डाल दिया है मैंने ये सब्ज़ी में, तो ये गर्मा गर्म सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। और जब तक मैं आप लोग को किनुआ की रेसिपी बताती हूँ, किनुआ की रेसिपी। अभी किसी ने मेरे से पूछा था कि किस तरीके से बनाते हो इसका चीला, तो उसे क्या होता है, 2 घंटे के लिए पहले मैं सुबह सुबह फुला देती हूँ 8 बजे, तो वो अच्छे से फूल जाता है। 10 बजे तक हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं मैं और दीदी, तो ये फूल गया है, तो इसे 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, नहीं तो वो कड़वापन रहता है। तो 2-3 बार वॉश करने के बाद ये मैं इसमें इसे पीस रही हूँ मिक्सी में। तो इसमें 4 से 5 ही काली मिर्च ली है, काला नमक लिया है और पानी डाल दिया है ताकि अच्छे से पीस जाए, और हल्दी पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, और ये सफ़ेद नमक भी डाला है। हल्दी पाउडर इसलिए क्योंकि ये इसका कलर थोड़ा सा येलो आ जाए, वरना वो ना वाइट वाइट रहेगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सा कलर के लिए मतलब कलर के लिए क्या हल्दी डाल देते हैं। तो बस उसे पीस लेती हूँ, और जब तक मैंने ये सब्ज़ी निकाली नहीं थी, मीडियम फ्लेम पर पक रही थी, तो चलिए अब इसे वापस खाली कर लेती हूँ। ये अब बन गई हमारी गर्मा गर्म सब्ज़ी पनीर की। इस तरीके से बनाइएगा पनीर की सब्ज़ी, जल्दी भी बनती है और बहुत टेस्टी भी लगती है।
और गैस वगैरह खाली थी तो ये बैगन आए हुए थे, तो मम्मी ने बोला भून कर रख लो रात के लिए, तो ये मैंने बैगन निकाल लिए हैं, इससे भी गैस खाली है, अभी टाइम है ना तो सेक कर रख लेते हैं, फिर शाम को केवल फ्राई बस करना पड़ेगा। और ये देखिए ये किनुआ का जो मिक्सचर है इसको मैंने डाल दिया था तवे पर, और ये बढ़िया सिक गया है हमारा किनुआ का चीला। और ये साइड में रख गई थी वर्षा दीदी की चाय, अपने लिए गंजी में ही बना लेते हैं, दूध वगैरह खाली करती हैं तो। और चावल भी राइस भी पक गए हैं, और बस चलिए मैंने बैगन भी रख दिया है भुनने के लिए, जब तक भुनेंगे तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आज है तारीख सितंबर, और अभी पता है टाइम 10:30 हो रहा है सुबह के, तो जस्ट मैं अभी फ्री होकर आई हूँ और किचन से, तो मेरा खाना बन गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, वरना क्या होता है ना मैं ऐसे व्लॉग निकाल देती हूँ फिर मैं आप लोग से बात नहीं कर पाती, तो इसलिए मैंने सोचा पहले तो मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग के साथ डेली रूटीन शेयर करूँगी क्या क्या किया मैंने आज। गाइज हमारे यहाँ ना अग्रसेन जयंती होती है, उसका कल आनंद मेला है यहाँ पर, मतलब स्टॉल वगैरह लगेंगे, जैसे स्टॉल में खाने के आइटम, जैसे पार्टिसिपेट टाइप होता है ना, तो जिसे भी पार्टिसिपेट करना हो तो वो वहाँ पर क्या बोलते हैं स्टॉल लगाएगा, तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर। कल है 1 तारीख को है, तो हम लोग जाएंगे, मैं दीदी पापा सब लोग, पूरा घर ही जाएगा, तो वहाँ का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी अगर बन पाएगा तो। तो यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम पड़ रहा है अग्रसेन जयंती, हमारे यहाँ चंदिया में भी होती है, बट चंदिया में थोड़ा सा क्या होता है मतलब इतने गेम वगैरह नहीं होते, इतने मतलब प्रोग्राम नहीं होते हैं, 2-3 दिन का ही होता है, यहाँ तो महीने भर पहले से ही चलने लगता है, तो वहाँ पर मतलब कुछ अलग हटके नहीं होता है, वही घिसे पिटे ही होते हैं हर साल, बट यहाँ पर मैंने कुछ नया देखा, यहाँ पर गरबा भी होना है, लेडी गरबा होना है, बच्चों के होने हैं परफॉर्मेंस, फैंसी ड्रेस, बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं, अम्ब्रेला जो होता है ना छाता, उसे सजाने का भी, डेकोरेशन का भी है, गणपति डेकोरेशन का है, तो मैंने सोचा था गणपति डेकोरेशन में लूँगी, बट क्या होता है गरबा सीखने जाती हूँ ना तो 3 घंटा मेरा वहाँ पर बर्बाद होता है, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ना महाराजपुर और मंडला में आने जाने की बड़ी समस्या हो जाती है, एक जन छोड़ने जाए एक जन लेने जाए, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और क्या होता है कि गरबा सीखने जाती हूँ और पूरा टाइम उसी में जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा यार वहाँ पे भी जाऊँगी, मतलब वहाँ पे जाऊँगी तो 2-3, वहाँ तो खैर 1 दिन ही जाना है, पार्टिसिपेट करेंगे जिस दिन उसी दिन, लेकिन फिर भी यार हो ही जाता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता इस समय बिल्कुल भी, और तो बस मैं उसी का डिसाइड कर रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूं कल, तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोग को कौन सी वाली साड़ी मैं पहनने के लिए सोच रही हूँ, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइज देखिए ये वाली साड़ी सोच रही हूँ मैं पहनने के लिए, ये मेरी चंदिया की साड़ी है, मतलब शादी में मिली थी मुझे, ये प्रेस वगैरह करवा के रखी हूँ, देखो पेपर भी लगा हुआ है इसमें, प्रेस करी रखी हुई है साड़ी, तो मैं सोच रही थी कि ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि पूरे समाज के लोग रहेंगे, और थोड़ा सा ना अभी मेरा फर्स्ट टाइम मौका लगा है, तो इसलिए सब लोग ने बोला कि थोड़ा सा हैवी साड़ी पहन लो, हैवी वैसे कुछ नहीं है, इसमें बॉर्डर ही है ऐसे, और थोड़ा सा ब्लाउज हैवी है इसका, तो इसलिए ये वाली पहन लूँगी, अच्छी लगती है मुझे ये वाली साड़ी, तो प्रेस होकर रखवा ली थी मैंने, जब मैं जाऊंगी और पहनूंगी तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। वैसे तो आप लोग ने कई बार देखा है ये वाली साड़ी, 2-3 बार पहन चुकी हूँ व्लॉग में, आप लोग ने देखा होगा, आप लोग बताइएगा कि कैसी लगती है वैसे ये वाली साड़ी मेरी। अभी मुझे ना इसका बैंगल्स मतलब पूरा सेट बनाना है, चूड़ी वगैरह सेट बनाने हैं, तो मेरे पास रेड कलर की एक्चुअली चूड़ी भी नहीं है, मतलब कांच की, तो ना मैं अभी मार्केट गई थी तो एक दिन लेकर आई हूँ, प्लेन चूड़ी नहीं मिल रही थी तो वेलवेट वाली आजकल चल रही ना, तो फिर वही वाली चूड़ी लेकर आई हूँ, रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ओ ये कलर की मिली है, थोड़ा सा ये साड़ी में नहीं जाएगा, रुको तक के देखते हैं एक सेकेंड, थोड़ा सा डार्क है बट चल जाएगा एकदम, और मैचिंग नहीं मिलेगा, तो बस मैं सोच रही थी इसका सेट वगैरह बना लूँगी और बढ़िया अच्छे से रेडी होकर जाऊंगी।
एक चीज़ ना, अभी मैं मार्केट गई थी ना तो कुछ सामान लेकर आई हूँ। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। एक्चुअली ना कुछ साड़ी पिन वगैरह लेकर आई थी, मेरी शादी के टाइम की साड़ी पिन थी ना तो सारी गुम हो गई हैं और टूट भी गई हैं। क्या होता है शादी में जो हैवी हैवी साड़ी पिन थी, मतलब थोड़ा स्टोन स्टोन की, तो ना वो ना टूट गई हैं, पता है ज़्यादा तो मेरी टूट गई हैं और गुम ही हो गई हैं। तो मैं अभी एक दिन मार्केट गई थी, गरबा सीखने रोज ही जाते हैं मैं और दीदी, दीदी भी ले रही हैं मैं भी ले रही हूँ। तो लौटते टाइम ना मैं थोड़ा सा मार्केट की थी, मतलब स्टोर से साड़ी पिन। चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। चलिए बैक कमरे से दिखाती हूँ आप लोग को। दो तीन चार क्लचर भी लेकर आई थी, मेरे बाल बहुत पतले हैं जैसे कि बताया, तो मैं ना इस तरीके के छोटे छोटे क्लचर लगाती हूँ पफ वगैरह, मतलब हाफ करके। तो देखिए ये लेकर आई हूँ चार पांच क्लचर, और ये हो गई साड़ी पिन। ये देखिए साड़ी की मैचिंग की लाई है कुछ कुछ, तो जो जो मुझे याद थी। ये देखिए रेड कलर की साड़ी मेरे पास है एक दो, तो मैं लेकर आई थी, और ये सिंपल वाली भी लेकर आई थी। जैसे अभी मैं गरबा सीखने जा रही तो साड़ी पहन के जाती हूँ ना, तो सिंथेटिक साड़ी में सिंपल ही अच्छी लगती है, तो कुछ इस तरीके से ही साड़ी पहनी है, प्लेन सी सिंपल सी लाई हूँ। देन ये दो तीन चार चार साड़ी पहने कुछ इस तरीके से है। ये देखिए कि ये पूरी मैचिंग की है, वो ब्लैक एंड वाइली ब्लैक वाली साड़ी जो मैंने अभी एक दिन ब्लॉग में दिखाई थी चंदिया से जो आई है उसकी मैचिंग की है पूरी। और ये हो गई एक रेड कलर की, ये हो गई ग्रीन कलर की, जो ग्रीन साड़ी जो मैंने अभी कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था उसकी मैचिंग की हो गई है, ठीक है। और एक ये वाली ऐसे ही ले आई थी, ये तो चल जाएगी मतलब सब में ही, और रेड कलर की मुझे चाहिए थी एक्चुअली, और भी मैं ढूंढ रही थी बट ना ज़्यादा अच्छी मिल नहीं रही थी, तो फिर मुझे जो समझ में आई तो मैंने ले आया। गाइस इसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोग को शाम को मिल रही हूँ। एक्चुअली गरबा सीखने के बाद हम लोग आ रहे थे, तो इस समय मार्केट में रोज़ कुछ ना कुछ काम रहता है, तो ये ना दीदी को कुछ काम था, तो ये दीदी प्रीत मैचिंग है यहाँ पर, ये कि यहाँ पर दुपट्टे से रिलेटेड लेस जो भी कुछ ऐसे मैचिंग वाला सामान है सारा कुछ यहाँ पर मिलता है। तो दीदी एक्चुअली ये ब्लाउज़ स्टिच करवाने के लिए यहाँ पर दी गई थी, ये सिलवाती हैं, तो वो उसी को लेने हम लोग आए हुए थे, सिल गया था। तो वो बोली थी कि आ जाना, बट यहाँ पर आए तो फिर उन्होंने बोला कि अभी आज नहीं मिल पाएगा, कल आ जाना। बस यहाँ पर खड़े हुए थे तो हम लोग वीडियो शूट कर ली थी। देन अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह, एक जगह और जाना था, कुछ ड्राई क्लीन के कपड़े वगैरह दी थी तो उसे लेने जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। ड्राई क्लीनिंग के लिए कुछ सूट और कुछ प्रेस के लिए कपड़े वगैरह दिया था दीदी ने, तो वो अंकल बोल रहे थे कि कपड़ा बहुत अजीब सा है सूट का, तो वही दीदी बोल रही है जला वाला तो नहीं है, जला वाला तो नहीं है। तो पूरा काम हो गया है मंडला का, अब हम लोग निकल रहे हैं महाराजपुर के लिए। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद अगर थोड़ा सा भी आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।